गोरखपुर जिले में शुक्रवार को 221 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,700 हो गई है। 11,885 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,619 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शहर की बात करें तो 134 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सबसे अधिक 35 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा शाहपुर में 25, गोरखनाथ में 18, कोतवाली थाना क्षेत्र में 15, रामगढ़ताल में 23, गुलरिया क्षेत्र में 4, चिलवाताल में 5, राजघाट में 4 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 61 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 15, पिपराइच में 7, पिपरौल में 11, सरदारनगर में 2, गोला में 3, सहजनवा में 5, उरवा में 1, कैंपियरगंज में 5, कौड़ीराम में 1, बढ़हलगंज में 2, गगहा में 3 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में 26 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।